Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं COVID-19 के केसेस से। 3 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 11 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 108। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। सबकी नजर है कर्नाटका सीएम बीएस येदियुरप्पा और नए कैबिनेट पर। जी हां, हाल ही में बसराज बम्बई ने फिर से जेपी नड्डा जी से मुलाकात की और 26 मिनिस्टर्स की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, ऐसी खबर आ रही है। सेंट्रल लेवल से ये नेम्स अनाउंस होने वाले हैं और 5 बजे बेंगलुरु के अंदर सब लोगों की ओथ सेरेमनी भी होगी। तो कौन कौन नाम होने वाले हैं, इस पर काफ़ी सारा एक्साइटमेंट चल रहा है और कई सारे नए फेसेस भी आने वाले हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। देखना ये होगा कि गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट से क्या किसी को मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई को जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब तक फ्लाइट सस्पेंड थे, खास करके 7 कंट्रीज जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, लेकिन अब सरकार ने और वहां के नेशनल एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि वो अब लोगों को अलाउ करेंगे जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जो लोग दुबई का रेसिडेंसी वीज़ा रखते हैं या यूएई का रखते हैं, काम के लिए थोड़े दिन के लिए इंडिया आ चुके थे और उन्हें वापस जाने नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को अब जाने की परमिशन आ चुकी है, लेकिन उस पर भी काफ़ी सारे कंडीशंस हैं। कंडीशंस के अंदर ये है कि वो यूएई के रेसिडेंसी होना चाहिए और साथ ही साथ डबल वैक्सीनेशन को लेना ज़रूरी है, और जो भी ज़्यादा डिटेल्स हैं उसको हम जल्द से जल्द आप तक लाएंगे। लेकिन ये बात तो अब आ चुकी है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कुछ लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से वो अब वापस यूएई फ्लाई कर सकते हैं। गोहाश एक्सक्लूसिव न्यूज़ में बता रहे हैं कि किस तरह से इंस्पेक्शन चल रहा है और सर्वे चल रहा है। जी हाँ, इस सर्वे में आप देख सकते हैं कलबुर्गी महानगर पालिका के कमिश्नर स्नेहन लोखंडे जी यहाँ पर मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अदलु श्रीनिवासलु जी और ZP के CEO दिलीप शाशी यहाँ पर मौजूद थे। दरगाह के एरिया से वो निकलते हुए आसपास के एरिया को सराउंडिंग को देखा, वहाँ पर इंस्पेक्शन भी किया और उसके बाद ये टीम निकली रिंग रोड की तरफ जहाँ पर वो ट्रैफिक इश्यूज और कई सारे चीज़ों पर सर्वे ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो ट्रैफिक इश्यूज चल रहे हैं आसपास के एरियाज के अंदर और जो क्लीननेस का जो मामला चल रहा है वो सब सेट हो जाए। उसके बाद बात करते हैं वार्ड नंबर 42 हीरानगर हीरापुर के अंदर अलीम पटेल ने किया फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग आए, इसे अटेंड भी किया और काफ़ी सारे लोगों के अंदर खासकर इस आसपास के एरियाज के अंदर वैक्सीनेशन चलते हुए अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अलीम पटेल ने काफ़ी बड़ा इकदाम लिया, स्टेप लिया, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई और यहाँ पर कई सारे लोग अब वैक्सीनेट भी हो गए। आइए देखते हैं इसकी शॉर्ट हाइलाइट्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते गुलबर्गा। आज बरोज मंगल बामुकाम हीरानगर हीरापुर वार्ड नंबर 42 में वैक्सीनेशन कैंप रखा गया, जिसमें यहाँ के काफ़ी लोग जो है ना पार्टिसिपेट हुए, वक्त को बालाए ताक रख कर मसरूफियात को अपने वक्त को यहाँ पर दिए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसको COVID-19 को चलते बीमारी को जो है ना जो इंजेक्शन दिया गया है उसको कामयाब बनाने के लिए मैं और दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद बात करते हैं इलियास सेठ के MIM का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो हुआ वार्ड नंबर 40 के अंदर। 40 के अंदर काफी सारे प्रोग्राम देखते जा रहे हैं हम और कई सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आई देखते हैं इस प्रोग्राम में किसने क्या कहा। एक बार कमिटमेंट करने के बाद अपने आप की जीत को लेंगे, हमारी जीत पूरी होंगी। याद रखो, आप समझ लो, ये बूटी बोटी वो को नहीं समझना, वो अल्लाह के ऊपर और अल्लाह के रसूल के ऊपर भरोसा है हमारा। हम बराबर जीत को लेंगे। अगर देखो तुम, हमारी भी 100 साल की उम्र है, मगर हमें क्या नहीं देखे होंगे, सब चीज़ देखे हुए हैं, मगर ये कामयाब भी करेंगे तो हमारी जीत होगी। कुछ देंगे पतंग को जिताती हमें जलीरे में पतंग जलीरे जलीरे। हम कामयाब ही करने के वास्ते ये काम कर रहे हैं, बार बराबर जीता को लेंगे। याद रखो, ये वैसे ऐसे नहीं है, उम्र रसीदा बुद्धि बोल रही है तो ये कामयाबी तुम्हारी हुई। लेकिन तुम नीयत खराब करके
मैं ऐसी नीयत से काम कर रहा हूँ कि मुझे पैसा कमाऊँ, मैं नाम कमाऊँ, मैं शोहरत कमाऊँ, वो नीयत से अगर आ रहे तो सियासत में नहीं आना। तो आप बराबर पतंग को उड़ डालेंगे इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम से मुझे ऐसा लग रहा है फयाज पटेल जीत गए इंशाल्लाह। और इस बार पूरे गुलबर्गा में हम लोग 20 से 25 कारपोरेटर जिताने वाले हैं और हम लोग इंशाल्लाह मेयर बनाएंगे। समझ गया मेरी बात को? तो इंशाल्लाह सब लोग पतंग को उड़ देंगे। एमएलए इलेक्शन में इलियास शेख और वार्ड नंबर 40 कारपोरेशन इलेक्शन में फयाज पटेल। इंशाल्लाह हम जब जीत कर आएंगे, जो आज तक नहीं करे वो हम आज करेंगे, जो आज तक के कारपोरेटर नहीं करे वो हम करेंगे। इंशाल्लाह गरीबों के साथ में हम हमेशा रहे हैं और रहेंगे। वार्ड नंबर 3 मिलत नगर के रेसिडेंट्स ने अपील की है और ये डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ के अब्दुल करीम जो बंदरनवाज मस्जिद के सदर भी हैं और सोशली काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन में खड़े और लोगों का सपोर्ट पूरा रहेगा अब्दुल करीम के साथ। आई थी इस पर लोकल रेसिडेंट्स का क्या कहना है। मस्जिद बंदरनवाज के सदर साहब अली जनाब अब्दुल करीम साहब, काफ़ी सालों से हम इनके खिदमात को जानते हैं और इनके कोशिशों को जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी महल्ले के मसले मसाइल हो, चाहे ख़वातीन के मसाइल हो या कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला हो या पुलिस स्टेशन तक जाने वाला मामला हो, ये बखूबी अच्छे अंदाज से इस मसले को हल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी जानिब से और इसी खुशी से हमें यह खुशी की मसरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल करीम भाई, इनको हम अपने तरफ से बल्कि तमाम मोहल्ले वाले नौजवान बुज़ुर्ग हस्ती और यहाँ पर जितने भी हाजिरन हैं, हम बखुशी इनको खड़े कर रहे हैं ताकि एक अच्छा हमारे अंदर एक रहनुमा हो, हमारी रहनुमाई करने वाला हो, हमारे मसलों को ये हल करने वाला हो। हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है और हमारी भी ख्वाहिश है कि ऐसे लोग ऐसे नुमाइंदे या महल्ले के तरफ से हमें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। करीम हमारा बच्चा है, मिल्लत नगर बंदरनवाज की मस्जिद के सदर है। उन्होंने मस्जिद को जब से मस्जिद बहुत फार्म पोई है और उनको वोटिंग में जिताना है, हम सब भी मिलकर उनको साथ देना है, पूरे एरिया की खिदमत करें। हम लोगों को कुछ हुआ भी तो हमारा साथ देते हैं, उन्होंने लॉकडाउन में बहुत साथ दिया, बहुत मदद करते हैं उन्होंने, और सब मिलकर उनको जिताना है, वोटिंग में उनको लाकर यहाँ ठहरा करना है। रेशम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में श्री मुरुगु राजेंद्र स्वामी जी बीएड एंड एमएड कॉलेज ने एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, खास करके टीईटी कार 2021, जहां ये ऑनलाइन कोचिंग है जो कि 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। इस इनॉग्रेशन में शामिल थे डॉक्टर SB यादवार जो कि एजुकेशनिस्ट हैं HK रीजन के और प्रिंसिपल हैं हुबली के, तथा चीफ गेस्ट थे डॉक्टर प्रकाश बड़गया जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीजापुर के। याद रखिए 3 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। इंटरेस्टेड पर्सन अगर कोई मौजूद हैं या स्टूडेंट्स कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहे हों तो स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें और इमीडिएटली रजिस्टर करें। आचार्य प्यू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, एडमिशंस आर ओपन फॉर PUC फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर फॉर द ईयर 2020-21 इन साइंस एंड कॉमर्स। आचार्य प्यू कॉलेज सेलेंट फीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स, स्पेशल फोकस ऑन नीट, IIT, JEE, KSET. Live classes by subject experts from various parts of the country. Highly standard classrooms with high-tech laboratory and library. Individual attention and regular monitoring of students' performance. Affordable fee structure. Special concession for meritorious students. Remedial and DOP clearing classes. 24 hours library facility is also available excluding general holidays. One of its kind digital library. Late night study facility for hostel students also available at the library. Van facility is also available. Separate hostel for boys and girls with CCTV surveillance and security round the clock. For more information, call 96327-40777, 96327-80777. Address near Bharat Pride, Gandhinagar, Unnabad Road, Kalaburgi. Hello everyone, this is Dr. Kashinath Ji, the director of Acharya PU College of Science, Gandhinagar, Kalaburgi. I must tell you, ladies and gents, Acharya PU College of Science is a college which works on the ideology of students and led to inquiry-based education, where the students are given freedom to look for their way of learning. See, there are some students
They learn with the kinesthetic skills. Some students learn with musical and rhythmical skills. And some students learn the things with other skills. I believe the kind of education which we are given as learner-centered, where the parents also involved, because we believe in competency and skill-based education. I must say proudly that Acharya PU College of Science is providing a very good faculty of NEET, JEE, KSET, and highly standard classrooms, libraries, and laboratories. We have the discussion portal also, where the student can discuss with each other and they can... Admission call 96327-40777, 96327-80777. Address near Bharat Pride, Gandhinagar, Unnabad Road, Kalaburgi. GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार यानी फास्ट एक्यूरेट रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।